हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12th का मंथली एग्जाम चल रही है, अब आपका जो है हिंदी का पेपर होना है। इससे पहले आप लोग का पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पेपर हो गया है, उसका भी जो है आप लोग को यानी क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड किया था। और आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे आप जो है उसमें हेल्प किए थे, उसी तरह हम लोग को जो हिंदी और इंग्लिश में भी जो हेल्प कीजिए। तो सो फाइनली आप लोग के लिए हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, जो ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए आईसीए कॉमन आई है। तो बच्चों आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों तक भी पहुंच पाए। एंड जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अगर 2025 का फाइनल अगर तैयारी करना चाहते हैं एकदम बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। तो ये आप लोग का कुछ इस प्रकार का हिंदी का जो है आप लोग का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बच्चों इसमें हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी दोनों चीज को जो हम लोग यानी कवर करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद जो फिर यानी सब्जेक्टिव को कवर करने वाले, ठीक है। तो तैयार है आप लोग? चलिए पहले हम लोग फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, देखने में परेशानी किसी प्रकार का ना हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है, 30 क्वेश्चन में से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, सिपाही की माँ किस विधा की रचना है बच्चों, तो इनके बारे में बताइए। देखिए सिपाही की माँ के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बच्चों याद होगा सिपाही की माँ का लेखक जो है बच्चों कौन है, ये जो एकांकी है बच्चों, ये जो क्या होगा आपका यानी बिल्कुल एकांकी यानी ऑप्शन आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएंगे। किस विधा से है बच्चों, तो एकांकी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म यानी कहाँ हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सो डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ आपका कानपुर हो जाएगा, है ना, जबलपुर हो जाएंगे, वाराणसी हो जाएंगे, सीतापुर हो जाएंगे। तो बच्चों ये जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, इनके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको वाराणसी यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। देखिए आप लोग जाना एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन पेपर यही रहेगा, तो आपको सिर्फ जाकर के टिक करना है। झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है बच्चों, इनके बारे में बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, मलयज हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएंगे बच्चों, है ना। तीन नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका देखिए झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक बच्चों कौन हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, और इसका आंसर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपसे आपको बताना है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक बच्चों मोहन डाकेश हो जाएंगे, मलयज हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएगा, या आपका यानी परमचंद हो जाएंगे। फोर नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, तो इसका आंसर आपका मलयज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, यानी मलयज हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा, झूठन किस विधा की रचना है, है ना। झूठन का लेखक तो ओम प्रकाश स्वामी की है, लेकिन ये जो आपका यानी क्या है, आत्मकथा है, नाटक है, तो ये आपका आत्मकथा होगा, और इसका आंसर जो बच्चे आप लोग आत्मकथा ठीक किए हैं, बिल्कुल बच्चों आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा आपके स्क्रीन पे, परगीत और समाज साहित्य किस विधा की रचना बच्चों, तो आलोचनात्मक संबंध हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएंगे, आत्मकथा हो जाएगा, नाटक हो जाएंगे बच्चों। देखिए परगीत और समाज के बारे में आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सिक्स का आपका आंसर हो जाएंगे यानी आलोचनात्मक निबंध, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उसने कहा था कि रचना रचना जो वर्ष यानी कौन सा है। देखिए उसने कहा था कि लेखक कौन है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये इसका रचना जो बच्चों कब हुआ था, 1915 को। तो ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर बी मतलब सी जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा यानी 1915 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आठ नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। आठ नंबर क्वेश्चन, जायसी का जन्म स्थान बताना आपको बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान बच्चों बताना ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलिए बताइए आठ नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका विजयनगर बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नाइन नंबर क्वेश्चन, साहित्य लड़ी के रचनाकार कौन है बच्चों, है ना। साहित्य लहरी के रचनाकार के बारे में बताना है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। हाँ तो देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार जो होगा बच्चों वो सुदामा होगा यानी सूरदास होगा बच्चों, तो इसका आंसर आपका सूरदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, दस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवदास किसके शिष्य थे बच्चों, नवदास के बारे में बताइएगा, दस नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो नवदास जो यानी अग्रदास के जो है क्या थे यानी शिष्य थे, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना, सरिया मान ताल का जल जो है कैसा रहा है ना, तो बताइएगा सरियामन ताल का जल जो है कैसा रहा है, स्थिर रहा है या आपका गंदा रहा है, गहरा रहा है, चंचल रहा है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका जो होगा बच्चों स्थिर होगा, इसको भी आप लोग जो है बच्चों नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, है ना, चित्ररेखा किनकी कीर्ति है, तो देखिए चित्ररेखा आपसे पूछा गया, तो चित्ररेखा आपका जो होगा मलिक मोहम्मद जायसी का जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, कवितावली के रचनाकार कौन है बच्चों, इनके बारे में बताइए, कवितावली के रचनाकार के बारे में बताना है बच्चों, तो ये आपका तुलसीदास जो है ना बच्चों कवितावली के रचनाकार हो जाएंगे, और ऑप्शन आप लोग का ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
कंकाल उपन्यास के उपनाकार कौन है बच्चों, इनके बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो ये जो आपका नहीं बिल्कुल पता होना चाहिए, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है बच्चों। देखिए बालकृष्ण भट्ट हम लोग जानते हैं बातचीत के लेखक बच्चों कौन हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। और ये किस युग के रचनाकार है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका भरते हैं युग, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है बच्चों। देखिए शिक्षा पाठ के लेखक आपको बताया जयकृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे जयकृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, पुराण शब्द का विशेषण कौन होगा, है ना, पुराण शब्द का विशेषण आपसे पूछा गया है बच्चों, तो इसका हो जाएगा पैराणिक, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों, कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए आपको मैंने कई बार बताया था कारक के जो है कारक के 8 भेद होते हैं, है ना, और वो जो है मतलब बिल्कुल चिन्ह के साथ आपको याद रखना कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो ये 8 जो होते हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, देखिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, या अनेक शब्द का एक शब्द है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा दीक्षित कहेंगे इसको, क्या कहेंगे हम लोग दीक्षित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चमक शब्द जो है कौन सा लिंग होगा, तो चमक जो है ये चमक रही है, यानी बिल्कुल ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 21 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, दिवाली शब्द जो आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा, है ना, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे, है ना, जातिवाचक हो जाएंगे, समूहवाचक हो जाएंगे। तो दिवाली की अगर बात किया जाए बच्चों, तो दिवाली जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, है ना, यथिष्ठ शब्द जो आपका संधि विच्छेद बताना है, यथिष्ठ शब्द का, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों 22 का, बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, यथिष्ठ का यथा जो इष्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, जाता रहा था किस पदबंध का उदाहरण है बच्चों, ये बताइए 23 का, तो ये जो होगा आपका यानी संज्ञा पदबंध हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नीलगाय शब्द कौन समास है बच्चों, बताइए 24 को आपको बताना है, नीलगाय शब्द की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये अव्ययीभावी समास हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए नकलची में प्रत्यय की अगर बात किया जाए बच्चों, तो प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, शब्द का लास्ट का उच्चारण प्रत्यय होता है। ओके है ना, शब्द का लास्ट का उच्चारण प्रत्यय होता है, और जबकि शुरू का क्या होता है, उपसर्ग होता है। नकलची लास्ट में क्या आ रहा है, यानी ची आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्या कहा जाता है 26 नंबर क्वेश्चन, प्राज्य शब्द यानी कौन सा उपसर्ग होगा, प्राज्य शब्द जो होगा यानी कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों, तो प्राज्य में जो है ना परा जो लगा, ये क्या लगा आपका, यानी उपसर्ग लगा है ना, और ये जो परा जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 27 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, स्तुति का, है ना, 27 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए बताइए इसका 27 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो ये स्तुति जो होगा बच्चों, तो ये निंदा हो जाएगा, स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा आपका, यानी निंदा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, अज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग होगा, अज्ञान में जो उपसर्ग की बात होगा, तो अ जो होगा आपका यानी उपसर्ग हो जाएंगे, और ज्ञान जो आपका, देखिए किसी शब्द में उपसर्ग मिलने के बाद एक नया शब्द बनता है ना, तो अ जो लगा इसमें आपका क्या लगा, उपसर्ग लगा है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों आपके स्क्रीन पे, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, पवन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संधि विच्छेद अगर करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पोज और अन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, पोज और अन हो जाएंगे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अनल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो अनल मतलब क्या होता है, आग होता है, क्या होता है बच्चों, आग होता है, ठीक है, अनल का आग होता है, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जो खंड ब में आपका जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो आपको निबंध लिखना है, ठीक है, आपके चार जो आपको यानी ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैनेज करना है, लेकिन आपको बाकी आगे फिर साफ देखेंगे। देखिए इसमें से आपको किस पर, मोबाइल और इंटरनेट पे, दूसरा क्या, पर्यावरण, तो सबसे आसान जो आपका ना क्या है बच्चों, पर्यावरण, बहुत ही आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, या आप जो गूगल में सर्च कर लीजिए, या बुक वगैरह में भी दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ लीजिए, है ना, तो यहाँ से आपको जो इसमें देना है, या दुर्गा पूजा के बारे में भी लिख सकते हैं आसानी से, है ना। उसके बाद क्या दिया आपका, सौप्रसंग व्याख्या करें, देखिए ये सौप्रसंग व्याख्या, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये भी आपका 5 नंबर का ही पूछा जाता है, है ना, उसके निबंध भी आपका 5 नंबर का आता है, ये भी 5 नंबर का ही आता है। इसमें आपका क्या पूछा गया है,
सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये आपका सप्रसंग व्याख्या करना है, इसके बारे में आपको जो है डिटेल से पूरी तरह से बताना है। ये सही में कहा जाता है, जब अगर आप लोग अपने बारे में अगर खुद से अगर नहीं बोलेंगे, तो उसका जो प्रकट उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, अगर कोई साथ में आप ट्रेवल कर रहे कहीं, आपके साथ कोई अगर आईएएस ऑफिसर अगर बैठा हुआ है और आप अगर उसके साथ बैठे हुए हैं और वो सिंपल एकदम साधारण ड्रेस में आप भी उसके साथ बैठे हो, लेकिन उसको आप पहचान नहीं पाइएगा जब तक उससे आप बात नहीं कीजिएगा, या उसका बात से माध्यम से या आपसे वो बात नहीं करेंगे तब तक आप उसको जो है पहचान नहीं सकते हैं, है ना। तो उसके गुण को आप जो है नहीं देख सकते। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है ना। तो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक जो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है बच्चों। या अथवा में दिया हुआ है, इसको आप लिखना है जाएंगे तो, या उसको लिखे, उसको अगर नहीं लिखना पाएंगे तो आप इसका भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसका तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। पासबुक खो जाने की शिकायतें बैंक मैनेजर को पत्र लिखकर करें। देखिए पासबुक खो जाने के संबंध में आपको जो है क्या लिखना है, एक जो है क्या लिखना है, आवेदन लिखना है। जैसे कि आपको बताया ना, सेवा में श्रीमान, है ना, शाखा प्रबंधक महोदय, विषय पासबुक खो जाने के संबंध में, है ना, इस तरह लिखना आपको। ठीक है, हाँ, सभी ने निवेदन यह है कि मेरा जो है मतलब पासबुक खो गया इतना इतना तारीख को ऐसे वैसे, और मुझे जो है नया पासबुक देने की कृपा करें। तो इसके बारे में आप जो है डिटेल्स बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं। ये भी आपका चार नंबर का पूछता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अथवा में बात करते हैं। अगर वहां नहीं, उसके बारे में नहीं लिखना है तो अपने प्रधानाचार्य यानी प्रार्थना पत्र लिख के अपने फीस माफी करने के लिए आप जो आवेदन पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका चार नंबर का ही होता है, अथवा में है ये, आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे बच्चों फोर नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए अब इसमें क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार का उत्तर देना है। देखिए आपका यहाँ कितना प्रश्न दिया हुआ, आठ प्रश्न दिया हुआ, आठ प्रश्न में से कितना दिया है, चार का देना है। और जबकि प्रत्येक प्रश्न में आपको कितना नंबर मिलेंगे, दो नंबर मिलेंगे, तो आठ नंबर का आपका रहने वाला है। तो बच्चे देखिए, हरचरना कौन है, है ना, या मानक और सिपाही एक दूसरे से क्यों मारना चाहते थे, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यवस्था जायज है, व्यस्त जायज है, यानी गद्य कविता किसे कहते हैं, लहना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या है, बुद्ध ने आनंद से क्या क्या बाजा बजाना क्या अर्थ क्या है, अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। ये देखिए, ये आप लोगों का जो है ना इतना क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितना लिखना है, मात्र चार। तो यहाँ तो सबसे आसान सब क्वेश्चन तो यहाँ दिया हुआ है, लहना सिंह कौन था, उसके बाद गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन एक बीमारी है जब हम जानते ही है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, ये आपको यह मात्र चार नंबर का लिखना है, चार नंबर लिखना है, चार क्वेश्चन का जवाब देना, और ये दो नंबर का होता है बच्चों। ये सारा आप जो है बिल्कुल जो है बुक में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग खुद से सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका, अब जो है देखेंगे क्या संक्षेपण कीजिए, है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षेपण वाला बात। अब देखना आपको संक्षेपण वाली बात को देखना बच्चों, क्या पूछा गया आपसे, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा गया बच्चों, संक्षेपण कीजिए, क्या कहा गया है, यानी संक्षेपण करना है। देखिए संक्षेपण करने का मतलब समझ रहे हैं, यानी कोई आपका जो है ना, ये जो आपका यानी क्या दिया हुआ, कहानी के तौर पर दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या लिखना है बच्चों, शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। यानी कहा जाए, अगर ये आपका कितना 100 शब्द में होता है, तो 100 शब्द यानी चलो मान लो 110 शब्द में अगर हो गया तो उसको 3 से डिवाइड करना है आपको, है ना। तो यहाँ आपका 3 से डिवाइड करना है, इसमें से जितना पड़ेगा उतना शब्द में आपको लिखना है ना बच्चों। चलिए तो इस तरह जो आपका यानी जैसे कि 120 शब्द का शब्द रहेगा, 3 से भाग लेंगे कितना हो जाएगा आपका यानी, है ना, 40 वर्ड पे आपको लिखना है। अगर आपका कितना 120 शब्द में रहेगा तो उसको 3 से आपको डिवाइड करना है, जितना शब्द रहेगा, मान लो अगर 30 शब्द रहा तो 30 को 3 से भाग लगाएंगे, 10 शब्दों में इसका आंसर देना आपको। तो इस तरह करके जो आपका यानी संक्षेपण करना है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी बच्चों। तो ये था आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, इससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लिए। और आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। ठीक है बच्चों।